जय शाह साहब, बताइए क्या है आपका सवाल। सब जी, मेरे पास एक BPCL है और ये लिया है, अदानी पोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, BPCL किस भाव पे लिया आपने? सब जी, वो लिया है 600 के भाव में 35 से। ठीक है, अडानी पोर्ट्स? अदानी पोर्ट लिया है 1200 के भाव में 35 से। ठीक है, तो अडानी पोर्ट्स में तो आपको फायदा हो रहा है, लेकिन BPCL में आपने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है। जरा हमें बता सकते हैं कि कच्चा तेल नीचे जा रहा था, अभी तक ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? 630 जी। अब मुझे जरा ये बताइए कि आप कितना समय दे सकते हैं इन दोनों शेयरों को? सभी इसमें तो अदानी पोर्ट में तो आंदा नहीं, बाकी BPCL में 6 से 8 महीना की वेट कर रहा हूँ, निकल जाऊँ इसमें से, तरफ ऊपर आ जाए तो 630-640 में। ठीक है, चलिए संतोष जी आपके पास आना चाहेंगे। अदानी पोर्ट्स में तो मुनाफा हो रहा है, लेकिन सबसे पहले जहां पर नुकसान ये झेल रहे हैं, 600 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है BPCL में, बताइए 6 महीने का नजरिया चाहते हैं, आगे के संकेत क्या हैं? संकेत तो आपको देखना चाहिए कि क्रूड के प्राइस कैसे रहेंगे, और चूंकि इलेक्शन टाइम चल रहा है अभी, तो समझिए कि इसमें गिरावट ही हो सकती है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में, जो भी रुपया हुई थी। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे जो है थोड़ा सेडेटिव मूव्स रहते हैं, साइडवेज रहता है। अदरवाइज मुझे अगर लॉन्गर टर्म के नजरिया देखें, आप साल भर से ऊपर का नजरिया अगर रखेंगे, तो मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव होगा यहाँ से। क्रूड अभी बीच में जियो पोलिटिकल टेंशन के कारण बढ़ गया था, लेकिन वापिस से थोड़ा सबसाइड हो रहा है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि 585 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें, कोई भी ऑन टूवर्ड इंसिडेंस में वो ज्यादा लॉस ना हो उनको, उसके लिए वो मेंटेन करें। जहां तक अडानी पोर्ट का की बात है, मुझे लगता है कि यहाँ भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया जो है, जैसा कि बात कर रहे हैं सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, इंडिया जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा, और हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कर रही है सरकार, उसमें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसका सबसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी पोर्ट्स ही होते हैं, और पोर्ट्स के वॉल्यूम आप देखें तो साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ भी आपको लंबी अवधि जरिया बना के रखें। पोर्ट्स में 2-3 काउंटर ही हैं जो हमारे पास देखते हैं, और उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट काउंटर जो है ये कंपनी है, तो एकदम बने रहना चाहिए यहाँ पर। शॉर्ट टर्म का नजरिया हो तो आपको 1300 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लें।